हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुमेट पर। मैं क्रिश, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक जो कि मैथ का है, चैप्टर नंबर फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है, दो, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन किससे बनकर बनती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कोफिशियंट, एक वेरिएबल होता है इसमें और एक होता है अपना कांस्टेंट, और इक्वल टू क्या होता है? जीरो। ये सारी चीज मिलके क्या बनाती है? इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की क्या होती है? टू। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है इसकी? जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म वो होती है जिस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, कोई भी चीज को हम कैसे करते हैं, वो उसका जनरल तरीका होता है या जनरल फॉर्म होती है उसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब तक इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा ये क्या रहेगी? एक हमारी टर्म। और यहाँ पे जीरो लगाने के बाद ये क्या बन जाती है? इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर टोटल चार एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारे पास टोटल चार है और कॉन्सेप्ट भी सारे चार है। पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किस काम के आता है, क्या है, ये कैसे इसको यूज करते हैं? इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज आता है इस इक्वेशंस के रूट निकालने में। ये जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी क्या निकालने हो अगर अपने पास? रूट्स या वैल्यूज या जीरोस, तीनों चीज एक ही है। रूट, वैल्यू, जीरो, कहीं भी दिखे आपको इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू चाहिएगी। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है इसके हमें क्या चाहिए? एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आप। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स की क्या आएगी, वही हमारे होंगे रूट्स, वैल्यूज या उस इक्वेशन के क्या होंगे? जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस काम आता है ये भी? एक्स की वैल्यू निकालने के काम आता है इक्वेशन के अंदर। क्या ये एक ही मेथड है, क्या और भी है? एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड भी उसको बोल देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इक्वेशन की रूट निकालने के लिए हमारा मेथड यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब अगली बात हम कर लेते हैं इसके अंदर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। कौन सा है भाई? कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। स्क्वेयर को क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। इस मेथड के अंदर हम दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। एक तो करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वेयर, एक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये हमारी क्या है? आइडेंटिटीज। देखो एक बहुत ही फैक्चुअल बात बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में एक तो सा फर्क होता है, बहुत ही थोड़ा नाम मात्र। क्या बोला? आइडेंटिटीज और इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की हमारे आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज देखो, मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? वन रहेगी। इसकी जगह हम कुछ भी रख दे, थीटा की जगह कुछ भी हो जाए, थीटा की जगह अगर हम कुछ भी रख देते हैं, कोई भी एंगल रख देते हैं, तो वो हमेशा क्या रहेगा? वन ही रहेगा। ये फिक्स है। यानी कि आइडेंटिटीज की वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। और इसके उल्टा आइडेंटिटीज की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और इक्वेशन की वैल्यू हमेशा चेंज होती है। वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखते हैं अब इक्वेशन की वैल्यू क्या नहीं होती? नॉट फिक्स। ये इतना सा डिफरेंस होता है, लगभग बच्चों को नहीं पता होता। वैसे मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिटीज की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती और इक्वेशन की आइडेंटिटीज की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इक्वेशन की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब अपने मेथड पे आ जाते हैं। ये आइडेंटिटीज दो यूज होगी इसके अंदर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। ये इसमें
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab। इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए देखते हैं। ये मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको जान लेते हैं ये क्या है। पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्लीटिंग द, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को जान लेते हैं एक एग्जांपल से, देखते हैं। 2x square, एक एग्जांपल ले लिया हमने, 2x square माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो, हमें माइनस कर लो। अब ये मेथड किसके लिए यूज होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये मेथड यूज होता है इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए फॉलो होते हैं। ये मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर ध्यान से देखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है ना, उसको 1 बनाना होता है। सिंपल सी बात है, यानी कि 2 को हटाना है यहां से। 2 को हटाने के लिए किससे डिवाइड कर दो, 2 से। इस अकेले को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। यानी कि क्या हो, क्या यहां से हमें समझ आया कि सबसे पहले स्टेप में हमें क्वेश्चन इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, सबसे डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, एक्स 2x स्क्वायर को 2x से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 माइनस का 4/2 यानी कि 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। ये हमारी क्या थी इक्वेशन, क्या आ गई अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा देखते हैं। ये हमारा 2 था, ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। अब जो हमारा b है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 से। b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। इसको 1/2 करने पर क्या आएगा, x/4। अब इस नंबर के स्क्वायर का एक बार जोड़ना है, एक बार इक्वेशन में से माइनस करना है। अब इस नंबर का जो स्क्वायर होगा उसको एक बार प्लस करना है इक्वेशन के अंदर, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाय 2 माइनस का 2 प्लस क्या करना है हमें, x बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस का x बाय 4 का होल स्क्वायर। अब इस ये करने से पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल, 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारी आइडेंटिटीज कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहां पे दिखा देता हूं, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बाई 2 पास पास में लिख लेते हैं, प्लस में एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस एक्स बाई 4 का क्या है, होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 2 और माइनस का एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। अब माइनस का एक्स यहाँ पे अपने पास x नहीं लेना है अपने को, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया था हमने पास, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी क्या, हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, x की जगह क्या आएगा, 1। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दो, 1 कर दो, यहाँ पे भी 1 कर दो। आगे देखते हैं, अब अपने पास क्या बचा, एक तो माइनस का 2 बचा, एक बचा प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। इक्वल टू क्या है यहाँ पे अपने पास, 0 है। इक्वल क्या है, 0। देखो x बाय 1/4 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड और बाकी अगली साइड ले जाओ। माइनस का 2 इधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, पूरा स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 31/16 इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 का क्या है, होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो वैल्यूज अपने पास 2 आएगी प्लस और माइनस की। ये अपना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मीटिंग, उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर ये मेथड अपने आप में कंटेन करता है पेपर के अंदर। अब अगला देखते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। तो अगला है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर
ऑफ रूट्स, किसके किसका नेचर, रूट्स का, कि वो रियल है कि वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते। इमेजिनरी नंबर भी तो होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी तो होते हैं और इरेशनल भी तो होते हैं, ठीक है। तो वो जान लेते हैं हम इस नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है। ये जानने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, जनरल फॉर्म हेल्प करेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब एक टर्म आती है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है कोई भी चीज का पता लगाना। वो कैसे पता लगाएंगे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के हेल्प से। ये हमारा एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। ये हमें क्या बताता है, इक्वेशन के नेचर बताता है, ठीक है। कैसे, अगर ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है तो इक्वेशन के हमेशा टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। यहां से सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इससे जीरो से हमेशा बड़ा है तो हमारे रूट्स कौन से आएंगे। जो हमारे दो रूट आएंगे, दो एक्स की वैल्यूज आएगी, वो हमेशा टू डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और हमेशा कौन से फॉर्म आएगी, रियल फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर बी स्क्वेयर माइनस, तीन केस बनते हैं टोटल इसमें, अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू होता है किसके, जीरो के। ये इक्वल होता है जीरो के, दो हमेशा क्या आएंगे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। हमेशा उस इक्वेशन के दो इक्वल और दो क्या आएंगे, रियल रूट आएंगे। थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस हमारा बनता है अगर बी स्क्वेयर माइनस का फोर ए सी, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, और अब बात कर लेते हैं थर्ड की। ये जीरो से क्या है, छोटा है, तो उस इक्वेशन के नो रियल रूट्स, उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, इरेशनल, इरेशनल सॉरी इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं इस टॉपिक के अंदर, अगला 3 पॉइंट, जो 4.4 एक्सरसाइज है वो हमारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक और केस आता है इसमें बोट एंड स्ट्रीम का। देखो मोटर बोट का एक क्वेश्चन दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, वो देख लेते हैं उसमें क्या करना होगा अपने को। मोटर बोट, बोट एंड स्ट्रीम का ही केस आ जाता है वैसे तो अब, लेकिन पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बोट एंड स्ट्रीम का जो केस था वो टू वेरिएबल्स के अंदर था, इसमें एक वेरिएबल्स के अंदर होगा। ये हमारी स्ट्रीम मोटर बोट का एक क्वेश्चन आया है, इसमें एग्जाम्पल है बुक के अंदर, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मोटर बोट से रिलेटेड। ये क्या है, मोटर बोट हमने कल पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, वो बोट थी, ये मोटर बोट है, पर कितना यह है उसमें मोटर नहीं थी। तो देखते हैं, दो स्ट्रीम आती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। फिर से वही बात, डाउनस्ट्रीम जिस साइड रिवर का फ्लो होगा वो कौन सी स्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम। जिस साइड अपना अपोजिट डायरेक्शन अगर होगी, अगर रिवर का फ्लो इस साइड आप इस साइड आ रहे हैं तो कौन सी स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। इस साइड कौन सी, इस साइड रिवर का फ्लो है, इस साइड अगर हम जा रहे हैं तो ये कौन सी स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब इसके अंदर जो बोट की स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी, सॉरी माइनस हो जाएगी, किससे, स्ट्रीम से। इसके अंदर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर हमें जल्दी, टाइम इसमें कम लगेगा क्योंकि हमारी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। स्पीड ज्यादा होने के कारण इस केस के अंदर हमें कहीं भी पहुंचने में टाइम हमेशा कम लगेगा। देखते हैं अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये मान लो किसका फ्लो है, रिवर का फ्लो है, ये किसकी स्पीड है, मान लो एक्स है, और ये क्या है, बोट की स्ट्रीम है, बोट की मान लो 18 किलोमीटर है, बोट की मान लेते हैं स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर। तो इसमें से 18 माइनस वाई, बोट की जो सॉरी एक्स, 18 माइनस में एक्स, जो स्पीड की बात कर रहे हैं हम, आपने अज्यूम की है ये किसकी स्पीड है, बोट की, और ये किसकी स्पीड है, बोट की, अपने अज्यूम की है। तो इसमें हमारी टोटल जो न्यू स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर 18 प्लस एक्स, दोनों स्पीड आपस में प्लस हो जाएगी, इसकी वजह से हमारा टाइम क्या आएगा, कम आएगा, किसकी बजाय, इसकी बजाय। ये केस आता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये केस क्या है, ठीक है। अगली बात आ जाती है, एक एजिस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि नूरी उससे 3 साल पहले इतनी बड़ी थी, इस चैप्टर में ये ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं।
तो ये था इस चैप्टर का पूरे का पूरा ओवरव्यू। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।